टीकाकरण पर भी तेजी लाने की बात कही है। दिल्ली से खबर, पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मीडिया कर्मी को धमकाने वाले की पर तुरंत कार्रवाई। खबर इस वक्त दिल्ली से आपको बता रहे हैं, बगैर जांच के झूठा मुकदमा पंजीकृत होने पर होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के डीजीपी को निर्देश दे दिए हैं। खबर इस वक्त आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं। पत्रकारों के टीकाकरण पर भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए। पत्रकारों को मजबूत सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही गई है। दिल्ली से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली से खबर, बगैर जांच के झूठा मुकदमा पंजीकृत होने पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के डीजीपी को निर्देश जारी कर दिए हैं। और हमारे सलाहकार संपादक इस वक्त अधिक जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं कि बख्शी पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, क्या कहेंगे सर आप? आरिफ जी, ये जो पत्रकारों पे मुकदमे, जो पत्रकारों का काम ही है कि सही बात को उजागर करना और गलत बात को उजागर करना, ये पत्रकारों का मुख्य मौलिक अधिकार होता है और इसी से कुछ लोगों को कष्ट होता है जिसकी वजह से फर्जी मुकदमे करवा देते हैं, कर देते हैं। और यह सिलसिला एक कई दशकों से चला आ रहा है। सरकारें बहुत भी वायदा कर, सरकारें बहुत बहुत से बयान देती हैं कि पत्रकार चौथा खम्मा है, इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, चौथा स्तंभ माने जाते हैं। लेकिन इस तरीके से ये वर्षों से, सदियों से चला हुआ, कई दशकों से चला रहा है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने सच्चाई को समझा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना पड़ा। उन्होंने कहा है कि आप पत्रकारों के खिलाफ बिना किसी उसके आप FIR नहीं दर्ज होगी और थानों को और डीजीपी को, बल्कि डीजीपी को सीधे समस्त देश भर के डीजीपी को लिख दिया है कि पत्रकारों के खिलाफ, मतलब पूरा पुख्ता जल कर ले, ये नहीं कि पत्रकार गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई न हो, कार्रवाई हो, लेकिन जो फर्जी मुकदमे पत्रकारों के खिलाफ दर्ज कराए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से थोड़ा सा इसमें प्रतिबंध लगेगा और सुप्रीम कोर्ट का अच्छा कदम है, बधाई योग्य है सुप्रीम कोर्ट का कदम, इससे थोड़ा पत्रकारों को राहत मिलेगी, उन्हें काम करने में सुगमता होगी। बगजी, हाल फिलहाल हमने देखा जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए हैं या उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश, क्या लगता है आपको जमीनी स्तर पर फर्क पैदा करेगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ऐसे मामलों में ऐसे पहले आदेश देता रहा जिसकी जमीन स्तर पर असर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और ये भी कह दी है कि शायद आपने खबर पे देखा होगा कि ये कंटेंट ऑफ कोर्ट होगा। अब डीजीपी की ये मजबूरी है कि कंटेंट ऑफ कोर्ट में डीजीपी या तो सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हों, ये किसी थाने में होता है तो थाने को डीजीपी की तरफ से एक अलग से आदेश जारी होगा जिसे कार्यादेश कहते हैं, वो डीजीपी जारी करेंगे जिसकी वजह से हर थानेदार की जिम्मेदारी होगी और इसके लिए थानेदारों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और डीजीपी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होना नहीं चाहेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पत्रकारों के पक्ष में हुआ है, बहुत ही अच्छा आदेश है और इसकी हर जगह इसकी प्रशंसा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया, बहुत ही सख्त आदेश किया जिसकी वजह से थोड़ी सी राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बख्शी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए।
फर्जी मुकदमा पंजीकृत करने वालों की खैर नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। डीजीपी को सख्त आदेश इसको लेकर दे दिए गए हैं कि पत्रकारों पर अब फर्जी मुकदमे ना हो, पहले जांच की जाए, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हो। और बरेली